मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे उत्तर भारतीयांची माफी मागत नाहीत तोपर्यंत त्यांना प्रवेश देणार नाही अशी धमकी दिली आहे भाजपचे खासदार राज ठाकरेंना इशारा देणाऱ्या ब्रिजभूषण सिंग यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी प्रशांत कदम यांनी एकीकडे एक महाराष्ट्रामध्ये राज ठाकरेंच्या अयोध्या दौऱ्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे मशिदी अजानचे मुद्दे जे आहेत ते खूप जोरात चर्चेत आहेत आणि याच पार्श्वभूमीवरती एकीकडे एक अयोध्या दौऱ्याची चर्चा सुरू असताना भाजपच्या एका खासदारानं राज ठाकरेंना थेट इशारा दिलेला आहे उत्तर भारतीयांची माफी मागा नाही तर अयोध्येत प्रवेश करू देणार नाही असं या भाजप खासदारांनी म्हटलेलं आहे कोण आहेत हे भाजप खासदार तर खासदार बृजभूषण शरणसिंग हे भाजपचे खासदार आहेत की ज्यांनी हा इशारा दिलेला आहे आणि आत्ता ते माझ्यासोबत आहेत आपण त्यांच्याशी बातचीत करूयात आणि काय नेमकं कारण आहे की ज्यामुळे ते राज ठाकरेंना हा विरोध करत आहेत ते समजून घेऊयात बृजभूषण जी महाराष्ट्र मे बाकी जगह पे बहुत चर्चा हो रही कि है की राज ठाकरे अभी अयोध्या वाले हैं इसी बीच आपने ये इशारा दे दिया जब तक माफी मांगी नहीं जाती है तब तक अयोध्या में आने नहीं देंगे क्यों ऐसा आपको लग रहा है कि क्यों उन्होंने माफी मागणी चाहिए देखिए महाराष्ट्र की अपनी अलग एक पहचान है है वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे जो है लोग पैदा हुए हैं साहू जी महाराज जैसे लोग पैदा हुए हैं और मराठों ने देश के लिए आकर के पानीपत तक में युद्ध किया है एक शानदार इतिहास है महाराष्ट्र का एक शानदार इतिहास है छत्रपति शिवाजी महाराज के सेना में हर जाति हर समाज के उनके विश्वास पात्र लोग थे सैनिक थे लेकिन उन्हीं शिवाजी महाराज की धरती पर एक व्यक्ति पैदा होता है जिसका नाम है राज ठाकरे और वो मराठी मानुष और उत्तर भारतीय का मुद्दा चलाता है और मुद्दा ही नहीं चलाता है सस्ती लोकप्रियता के लिए टैक्सी वालों को पीटता है विद्यार्थियों को पीटता है सिनेमा वालों को गाली देता है यूपी वालों को गाली देता है बिहार वालों को गाली देता है झारखंड वालों को गाली देता है छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर जिनका एक अपना इतिहास है उसमें जाने की जरूरत नहीं है मैं भी थोड़ा ज्यादा नहीं पढ़ा लिखा थोड़ा हूं ऐसी धरती पर एक व्यक्ति पैदा होता है और 2007 से गाली देना शुरू करता है 2020 हजार बीस तक देता है योगी जी को गाली देता है मोदी जी की आलोचना करता है सुन लीजिए अब जब छेड़ा है तो सुनिए हैं आज उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो गया और वो अयोध्या आना चाहता है तो महाराष्ट्र में वो चाहे अजान का विरोध करें चाहे हनुमान चालीसा पढ़ें ये मेरा लेना देना नहीं है और मेरा स्टैंड पार्टी का स्टैंड नहीं है मेरा व्यक्तिगत स्टैंड है मेरा ये व्यक्तिगत स्टैंड है क्योंकि मैं उत्तर भारतीय हूं उत्तर भारतीय के नाम पर जो अपमानित किया गया है और हम भगवान राम भी कहीं कही ना कहीं अगर राम को तो छोटा करके नहीं देखना चाहिए लेकिन राम भी उत्तर भारतीय थे और आज राम के वंशजों को लगातार 20 साल तक जिस तरीके से इस व्यक्ति ने पीटने का काम किया अपमानित करने का काम किया है तो हमें आना चाहिए कोई दिक्कत नहीं है आना चाहिए लेकिन जो गलत उन्होंने किया है जो बांटने का काम किया है जो जहर बोने का काम किया है यहां तक कि, कि लोग मर गए हैं मेरे पास तमाम नई नाम है एक धर्मदेव राय हमारे पड़ोसी जिले संतकर्मी इनका निकले पीट पीट कर मार डाला गया मुर्गा बना करके ऐसे हो सकता है दो चार सौ आदमी निकले मेरे पास नहीं है ये अभी नहीं है जरूरत पड़ेगा तो आ जाएगा तो आप उत्तर भारत के दौड़े पर आना चाहते हैं अयोध्या के दौड़े पर आना चाहते हैं उत्तर भारतीयों के साथ जो कुछ भी आपने किया है उसके लिए खेद व्यक्त करिए माफी मांगिए आइए और राजनीति चमकाने के लिए आप माफी ना मांगे मांगे और आवे दर्शन करके चले जाए और गाजा बाजा लेकर के आवे फोटो चगवाएं तो मैं उत्तर प्रदेश में उनको घुसने नहीं दूंगा हाँ पक्का कि जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो उनका स्वागत कर रहे हैं और बीच में राज ठाकरे जी ने भी योगी जी की तारीफ की थी जो लाउड स्पीकर उतरे हुए थे उन्होंने तो उसको लेकर उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में योगी है महाराष्ट्र में तो सब भोगी है देखिए ये मेरा विषय नहीं है वो योगी जी की तारीफ करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी की प्रशंसा करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी की प्रशंसा करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन उत्तर भारतीयों से माफी मांगे तभी उनको अयोध्या में घुसने दूंगा आपका इशारा ऐसे टाइम पे आया है कि जब महाराष्ट्र में चर्चा चल रही है कि राज ठाकरे बीजेपी के करीब जा रहे हैं मतलब उत्तर भारतीयों के प्रति उनका जो रवैया था उसमें थोड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है ऐसे चर्चा चल मेरा मैं इतना बड़ा राजनीतिक नहीं हूँ मेरा इससे कोई न, लेना देना नहीं है मैं राज ठाकरे का जो कृत्य है उसका निंदा 2007 से कर रहा हूं आठ से कर रहा हूं नौ से कर रहा हूं दस से कर रहा हूं आज भी कर रहा हूं क्योंकि राज ठाकरे एक दरबे के अंदर रहते हैं वो दरबा है महाराष्ट्र का है मुंबई से लेकर के महाराष्ट्र दरबे से बाहर वो नहीं निकले अगर दरबे से बाहर निकले होते दरबा समझ रहे हैं ना हाँ एक किला कह लीजिए एक किले के अंदर उससे बाहर नहीं निकलते अगर उसके पहले बाहर निकले होते और मेरी जानकारी में आया होता तो मैं पहले विरोध करता मेरा वर्तमान राजनीति से कोई लेना देना नहीं है वो दरबे से बाहर निकलने हैं हम स्वागत के लिए तैयार हैं आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके बयान से मनसे और बीजेपी दोनों साथ में आएंगे ये जो चर्चा चल रही थी उसमें दरार पैदा हो जाएगी कुछ मन... ये, ये ये मेरा स्वयं का विचार है मैं उत्तर भारतीय हूँ मुझे पीड़ा है और उत्तर भारतीयों की पीड़ा को मैं उठा रहा हूं उठाऊंगा लेकिन दौरा पाँच जून को होने वाला है उसकी बहुत तैयारियां चल रही है रेलगाड़ियाँ बुक हो रही है तो किस तरह की माफ़ियाँ आप चाहते हैं कि जिसके बिना देखिए अब देखिए अगर उनकी तैयारी चल रही है तैयारी मेरी भी चल रही है हाँ अच्छा। उनकी पहले से चल रही है कल से मेरी भी तैयारी चल रही है मैं इतना जानता हूँ कि या तो उन्हें माफ़ी मांगना पड़ेगा और या वापस जाना पड़ेगा मेरा कोई नहीं है वापस कि वो वापस ही जाएँ अगर वो माफी मांग लेंगे मैं उनका स्वागत करूंगा किस तरह की तैयारी चल रही है अब साहब अब क्या बताएं तैयारी अब अपना स्ट्रटी कोई बताता है लेकिन स्वागत बहुत शानदार होगा बहुत शानदार लेकिन इस बयान के बाद क्या आपकी किसी बीजेपी नेता से बात हुई है उन्होंने आपको कुछ कहा है आप अपने बयान पे कायम रहेंगे हम अपने बयान पर कायम रहेंगे 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 रहेंग त्यांचा स्पष्ट इशारा आहे की जोपर्यंत राज ठाकरे माफी मागत नाहीत तोपर्यंत आपण त्यांना अयोध्येमध्ये पाऊल ठेवू देणार नाही हृदय परिवर्तन जरी झालं असलं तरी आपला विषय जो आहे तो उत्तर भारतीयांशी निगडीत आहे आणि त्यामुळं हा आपला पवित्रा कायम राहील असा थेट इशारा जो आहे तो त्यांनी दिलेला आहे कॅमेरामॅन रवीश सह प्रशांत कदम एबीपी माझा नवी दिल्ली एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट